नीरज कुमार राठौर हूँ, इंदौर का निवासी हूँ मैं, और गौतम बुद्धा एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी एक एनजीओ है प्रदेश स्तर का, जिसको हम नेशनल लेवल पे भी एक्सटेंड कर रहे हैं। इस एनजीओ के माध्यम से हम एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। मतलब समाज का जो वंचित तबका है, जो आज भी किसी कारणवश पिछड़ गया, उसको विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मैंने इस एनजीओ का गठन करा। और मैं आपके बीच में मनावर में हूँ, अभी शासकीय महाविद्यालय के हॉस्टल में। तो चूंकि मनावर में डॉक्टर हिरालाल जी अलावा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख सकूं। तो ये जो योजना है, ये अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चल रही है पिछले 15 सालों से, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी तक पता नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने सरकारी सिस्टम की नाकामी थी। हालांकि मैं गवर्नमेंट को ब्लेम भी दूंगा। तो हमारी जो ये संस्था है, इस योजना का प्रचार प्रसार करती है पूरे प्रदेश में, और अभी हमने सफलतापूर्वक आपके यहाँ से मनावर में समझीपुरा पटवार गाँव है, समाजीपुरा पटवार, वहां के एक आदिवासी छात्र को, एसटी के छात्र को, लक्ष्मी नारायण वाजपेयी को हमने सिंगापुर भेज दिया है। उसने 10 तारीख को मुंबई से अपनी फ्लाइट भी ले ली, और 11 फरवरी को सिंगापुर जाके उसने ज्वाइन भी कर लिया। एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी से वो मास्टर डिग्री करेगा इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में। तो आपकी विधानसभा में ये फार्मूला लागू हो चुका है, और इसमें शासन की तरफ से 50 सीटें हैं, 55% से स्नातक चाहिए, आपका पूरा 10वीं-12वीं की मार्कशीट भी लगेगी, आय जाति यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र भी लगेगा। क्योंकि अभी क्या है कि शासन में नौकरियां बहुत कम हो गई है, कोई गारंटी नहीं कि आज या हाल में आप जितने भी अनुसूचित जनजाति के छात्र बैठे हैं सभी की नौकरी लग जाए। तो एक अल्टरनेट करियर भी आप लेके चलो अपने साथ में, कि हम आपको वर्ल्ड के टॉप संस्थान में भेजेंगे, सिंगापुर में भेजेंगे, मलेशिया में भेजेंगे, पेरिस लंदन। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी रहेगी तो मैं आपको पेरिस लंदन भेजूंगा, और अगर आपकी अंग्रेजी कमजोर है तो फिर मैं आपको सिंगापुर या मलेशिया भेजूंगा, जहां आपको विश्वविद्यालय की तरफ से अंग्रेजी की कक्षाएं भी प्रदान की जाएगी, ताकि आप अपना एकेडमिक इंग्लिश का लेवल उठा सके। तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको, बस जिस दिन आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए, 55% से आप ग्रेजुएशन जिस दिन कंप्लीट कर लो, उस दिन आपको सारे पेपर लेके मेरे पास आना है, मेरे ऑफिस में ही, और एक ही बार आना है, फिर हम अपन फोन पे कॉन्टेक्ट रहेंगे। फिर आपको एक बार भोपाल जाना है सिलेक्शन करवाने के लिए, इसका सिलेक्शन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अपना आदिवासी का जो एक मंत्रालय है, जिसको अपन बोलते हैं जनजाति मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, जो कि बदलगांव के सामने सतपुड़ा में है, तो इसमें आपको एक या मेरे समझता दो बार भोपाल जाना है, और एक या दो बार इंदौर आना है। तो ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, आप ही जाओगे, और इसमें आपको शासन की तरफ से हॉस्टल का भत्ता मिलेगा देने का सिंगापुर में, जो कि अभी 55,000 रुपये महीना है। आपको वहाँ सिंगापुर में बाकायदा हॉस्टल मिलेगा, उसमें 55,000 रुपये आपको मिलेंगे, इकट्ठा ही भेजा जाएगा थोड़ा सांगल का, और इसमें डर की कोई बात नहीं है। सिंगापुर में काफ़ी इंडियंस रहते हैं, और वहाँ काफ़ी अच्छा माहौल है, सेफ कंट्री है एज कम्पेयर टू इंडिया। अपना इंडिया से तो अच्छा ही है, मतलब सिंगापुर एडवांस कंट्री है, अंग्रेजी भाषा वहाँ चल रही है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, मैं समझता हूँ कि आप सभी को इसका लाभ लेने के लिए आगे आना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। आप भले शासकीय सेवाओं की तैयारी करो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ शासकीय सेवा की तैयारी से, लेकिन अभी क्या है कि निजीकरण भी काफ़ी हो गया है इंडिया में। आजकल कॉरपोरेट्स में आप जॉब कर सकते हैं, सिंगापुर से एमबीए करके आप अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकते हैं यहाँ पर इंडिया में। आप मनावर में कोई बड़ा बिजनेस प्लान कर सकते हैं, इंदौर में बड़ा बिजनेस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एमबीए एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ये सिखाया जाता है कि कैसे अपना बिजनेस करें। और अभी केंद्र सरकार ने नेशनल एससी एसटी हब योजना लॉन्च करी है 2016 में, जिसके माध्यम से एससी एसटी के जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो अपना खुद का धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हालांकि मैं समझता हूं कि देश में 25 करोड़ एससी एसटी आबादी है, उनके लिए 490 करोड़ तो ऊंट की मुंह में जीरा है,
मैंने ये राशि बढ़ाने की मांग करी है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर, मैंने कहा कि आप 5,000 करोड़ रुपए दो। और इसी टाइप से मैंने ओबीसी हब की भी मांग करी है, मैं प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द चिट्ठी लिख रहा हूं और मैंने कहा कि देश के ओबीसी उद्यमियों के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए जाए, 10,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए मांगे मैंने, टोटल पूरे ऑल इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपए मेरी मांग है। तो इसमें मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये बहुत अच्छी योजना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।